हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल धुन कीर्ति की। और मैं हूँ कीर्ति नरवाल हुंडा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। तो आज मैंने भी फास्ट रखा है और आप कमेंट करके बताना किस किस ने फास्ट रखा था। और अभी मैंने नहा लिया है और वॉश कर लिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि दिन में तो मैं पहन लेती हूँ सूट और रात को देखती हूँ साड़ी डालती हूँ। उसकी वैसे मैं फ़ोटो वगैरह रील जो भी मैं बनाऊँगी वो मैं इंस्टा पे और यूट्यूब में भी शॉर्ट्स में डाल दूँगी, वो आप ज़रूर देखना। और अभी तैयार हो जाते हैं जल्दी से। और मैं तो फास्ट ऐसे रखती हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, ना पानी पीती हूँ। सिर्फ शाम को एक बार पानी पीना होता है तो मैं सिर्फ वो उस टाइम 4-5 बजे के आसपास वो पीती हूँ। तो आप सब भी बताना आप कैसे रखते हैं, आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, पानी पीते हैं या सिर्फ ऐसे ही रखते हैं? और तो अभी तक तो सही है, जैसे जैसे दिन जाएगा तब थोड़ा थोड़ा सा फील होता है भूख प्यास, बट मतलब भूख इतनी नहीं लगती, प्यास का थोड़ा फील होता है, बट अभी तो सही है। अभी नहा ली हूँ ठंडे ठंडे पानी में तो अभी सही है। और अब तैयार होती हूँ, आपको दिखाती हूँ कौन सा सूट डालती हूँ। तो ये है मेरा सूट जो मैं आज डालूँ। ये मैंने अफगानी सलवार सिलवाई है इसकी, और ये है शर्ट और ये दुपट्टा। मतलब ये मैंने वहाँ से लिया था चंडीगढ़ से, जब मैंने आपको दिखाए थे ना कि बहुत सारे सूट बाय किए हैं तो वहीं से ये भी लिया था। और ये मैंने स्टिच करवा लिया है। वैसे तो कलर ऐसा है थोड़ा लाइट है बट दिन में तो अच्छा ही लगेगा, थोड़ा येलो के शेड है तो ये डालती हूँ। हो गई हूँ मैं रेडी। ये है पूरे सूट का लुक, ये अफगानी सलवार दुपट्टा एंड दिस। और मैंने अब डाल लिया आज ये वाले कंगन दोनों हाथों में और बिंदी भी लगा ली है फॉर अ चेंज। मैं वैसे लगाती नहीं हूँ बट आज मैंने सोचा आज तो लगा लूँ थोड़ी सी। तो बताना मेरा सूट कैसा लगा आपको। अब चलते हैं नीचे और मम्मी के पास बैठते हैं थोड़ी देर। जन्माष्टमी वाली फील आ रही है। और ये स्लीव्स पे का ये डिज़ाइन है थोड़ा ऐसे, जो मैंने नीचे सलवार का बनवाया था ना डिज़ाइन, उसी तरह से का बनाया है थोड़ा सा। और आज मैंने पायल भी डाल ली, मैंने सोचा आज तो डाली हल्के वाली डाल ली है आज। और नेल पेंट लगानी रहती है, मैंने पैरों पे तो लगा ली, हाथों पे नहीं लगाई तो वो भी लगा लेती। और जिनको कम तैयार होना पसंद है मेरी तरह, और वो जो कभी कभी तैयार होती है तो अलग ही फीलिंग आती है ना, ऐसा लगता है आज तो कहीं जा रहे हैं, आज तो पूरा रेडी शेडी हो गए हैं। तो कमेंट करके बताना किस किस को ऐसे सजना संवरना मेकअप करना अच्छा लगता है और किसको नहीं लगता है। मुझे तो बहुत मतलब कम पसंद है, मैं बस कभी कभी ओकेजनली तैयार होती हूँ। तो आज मेरे को थोड़ी बहू वाली फीलिंग आ रही है। और ये शाम को 5 बजे मैंने पिए दूध वाली लस्सी, ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लग रही थी। अभी शाम के 5 बजे हैं तो अभी मैंने पिया है ये होती है दूध वाली लस्सी। मैं जब से ये फास्ट रखना शुरू किया तब से यही पीती हूँ। आज भी फिर यहाँ भी मम्मी ने यही बना दी और ये पिए, 2 गिलास पी लिए मैंने तो पेट भर गया अभी के लिए। तो फिर तो अब तो सीधा 12 बजे जब चांद निकल जाएगा तब खाएंगे पियेंगे कुछ तो बस। और मम्मी ने ये तोड़ी है सेवैयाँ, मैदे और आटे की आटा रखा, ये तोड़ के सुखा रखी हैं। कल भी बनाई थी मम्मी ने और आज ये और तोड़ दी, अब ये सूख जाएंगे तब बनाएंगे। मैं और मम्मी पार्क में आए हुए थे, अब जा रहे हैं घर पे, सचिन आ गया, सचिन के साथ जाएंगे। चले मम्मी और फिर पार्क से आते आते हमने लिए फ्रूट्स जो शाम को फिर रात को 12 बजे खाने थे, तो अमरूद और केले लिए और फिर गए घर पे। और 3 बजे तो अब बज गए हैं रात के 11 और अब हम जा रहे हैं मंदिर में। मंदिर में जाते हैं, थोड़ा 1 घंटा बज गया, 12 बजे हो जाता है पूरा, कृष्ण का जन्म मानते हैं। तो अभी जाएंगे तो थोड़ा जो लास्ट का माहौल होता है मंदिर का वो देखेंगे और वहाँ से चरणामृत लेके आएंगे जिससे फास्ट खुलेंगे। तो मैं मम्मी और सचिन जाएंगे और अभी मतलब आज सचिन ने भी फास्ट रखा है तो, और शोभित ने भी रखा है, सिर्फ पापा ही थे जिन्होंने नहीं रखा। तो अभी जाते हैं मंदिर में, देखते हैं कि वहाँ का क्या कुछ माहौल होता है। Oh
और ये है चरणामृत, मतलब मक्खन और इसमें मिश्री वगैरह मिला रखी है जो कि कृष्ण जी खाते थे, तो वही उसी से फास्ट खोला है सचिन ने, मैंने मम्मी ने ये खाया। सचिन बता रहे मीठा है। और ये घर आने के बाद चांद को हमने दिया पानी, ये देखो चांद दिख रहा है। ये पनीर की जलेबी, ये चमचम, और ये कौन सी बर्फी है, कलाकंद, ये तो है मिठाई। दाल माय फेवरेट। क्या सुकून मिल रहा है। तो अब बज गया एक, खाना हमने खा लिया है, और मतलब दाल रोटी खा गए, जो दाल का असली सुख असली स्वाद पता चलता है, वो इतना पूरा दिन भूखा रह गया सही पता चलता है। मतलब दाल भी इतनी टेस्टी लगती है, पनीर भी फेल है उसके आगे। और अब बज गया एक, तो अब सोते हैं, आज तो बिल्कुल नींद आ रही है। और मंदिर में जाके ये मतलब ऐसा लगता है कि हाँ फास्ट रखा है कुछ, नहीं तो घर पे तो कुछ होता ही नहीं, घर पे पूरा दिन ऐसे ही रहो, ऐसे लगता ही नहीं कि फास्ट है या कुछ हो या कोई बड़ा ऐसे ओकेजन है। मंदिर में जाके फील आती है कि हाँ भाई फास्ट है, जन्माष्टमी है, वहाँ जाके लगता है। अब भी इतनी भीड़ थी वहाँ पे मंदिर में, आपने देखा ही होगा, तो मंदिर में जाके मजा आता है। वैसे मुझे इतना जाना मतलब पसंद भी नहीं है, पर जन्माष्टमी वाले दिन थोड़ा ऐसा होता है कि चले जाऊं मंदिर में, जाने का थोड़ा मन करता है। तो मेरा जन्माष्टमी व्लॉग आपको कैसा लगा बताना, मेरा सूट साड़ी कैसे लगा वो बताना, और आप सबका कैसा गया वो भी बताना। और बस तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और मैंने ये साड़ी डाली थी दिन में, लेकिन मैं ये आपको मतलब इसका व्लॉग शूट नहीं कर पाई, तो आप फोटो देख लेना, बताना कैसा लग रही हो। इसमें मैंने शॉर्ट भी डाल रखा है, वो भी देखना।